हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपको फैंटेसी क्रिकेट फैन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैच खेला जाएगा श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो सेकेंड ओडीआई, उस मैच के बारे में आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छा टीम दे पाओ जिसे आप अच्छी तरह से विन कर सको। फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रीम इलेवन के साथ साथ प्ले स्पॉट और हला प्ले की टीम भी दूंगा, तो जो भी प्ले स्पॉट और हला प्ले में ज्वाइन नहीं हुए फ्रेंड्स, तो अभी ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही अच्छा फैंटेसी ऐप है, यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए सारे जो डिटेल्स, सारे जो लिंक मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहे तो वहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हला प्ले का बात करें तो फ्रेंड्स, हला प्ले में जो है तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा और यहाँ पर आप 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। और अगर प्ले स्पॉट की बात किया जाए तो फ्रेंड्स, प्ले स्पॉट में जो है तो आपको 25 रुपीज़ मिलेगा और यहाँ पर भी आप 100% बोनस के साथ खेल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अब दोनों टीम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला श्रीलंका की तरफ से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला ओडीआई मैच खेला गया था, हालांकि यहाँ पर श्रीलंका ने हार गया था लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया था, खास करके यहाँ पर जो ओपनर बैट्समैन का उसके साथ, यहाँ पर फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन का बैट्समैन था, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, वो बहुत ही अच्छा खेला। और हारने का मेन रीज़न एक ही था, यहाँ पर दो तीन बॉलर के छोड़ के यहाँ पर सभी बॉलर यहाँ पर बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस किया। और यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से बात कर ले तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूजीलैंड जो पहला ओडीआई यहाँ पर जीत गया, और जीतने का मेन रीज़न एक ही था, यहाँ पर जो मार्टिन गोप्रिल, आपको पता है बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉर्म में है, 138 रन का पारी खेला। उसके साथ साथ टीम के कप्तान जो विलियमसन यानी यहाँ पर जो था, उसके बाद रॉस टेलर, वो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर पारी खेला। उसके साथ साथ यहाँ पर बॉलर ने भी, यहाँ पर खास करके यहाँ पर फर्गुसन ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया। तो यहाँ पर टीम में यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, वो आपको आगे प्लेइंग इलेवन में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स हमारा चैनल, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर लास्ट मिनट में कोई चेंज होगा, कोई इंजर्ड होगा, शायद उसका वीडियो मैं आपको अपलोड ना कर पाऊँ, इसलिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए जस्ट आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है फैंटेसी क्रिकेट फैन, एंड वहीं से आपको सारी जानकारी, सारी न्यूज़ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पर दोनों टीम का क्या प्लेइंग इलेवन रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर श्रीलंका का प्लेइंग इलेवन क्या होना चाहिए यहाँ पर, उसके ऊपर यहाँ पर नज़र रखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ओपन करते हैं यहाँ पर नीरोसन डिकोला, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉर्म में है, ओपन करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर धनुष का ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डाउन में कुशल पेरेरा आ जाएगा, जो लास्ट में जो बहुत ही अच्छा शानदार 100 बनाया और यहाँ पर अच्छा फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर कुशल मेंडिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिनेश चंडीमल, यहाँ पर एस एल गुणराज में, हालांकि यहाँ पर जो यहाँ पर ऑल्टरनेट होता रहेगा, यहाँ पर एस एल गुणराज ने यहाँ पर कुशल मेंडिस के जगह पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर तीसरा पेरेड, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑलराउंडर है, वो पता है, वो आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो लहिरु कुमारा और यहाँ पर कुशल रंजीत है, यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर लास्ट जो मैच थे यहाँ पर दोनों ही नहीं खेले थे। उसके जगह पे यहाँ पर सिकुना प्रसन्न प्रसन्न खेले थे। तो यहाँ पर जो सिकुना प्रसन्न था बहुत ही यहाँ पर मार पड़ा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लहिरु कुमारा और यहाँ पर कसुन रजिता दोनों बहुत ही अच्छा बॉलर है, तो उन लोगों दोनों में से कोई एक खेलेगा। यहाँ पर लहिरु कुमारा का था चांस थोड़ा ज़्यादा है, 70%, और यहाँ पर कसुन का 30% है। अगर आप यहाँ पर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं या फिर हेड टू हेड खेल रहे हैं तो यहाँ पर दोनों को एवॉइड करना बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नान प्रदीप है, जिसको 2 विकेट मिला था, और उसके बाद यहाँ पर लसित मलिंगा, उसको भी 2 विकेट, और यहाँ पर संदकन, उसको भी यहाँ पर 2 विकेट मिला था। तो यहाँ पर आप स्क्वाड भी आप देख लेते हो, यहाँ पर समरा है, उसके बाद यहाँ पर चमीरा है, यानी यहाँ पर जो प्रसन्ना है, यहाँ पर जो लास्ट मैच खेला था, यानी यहाँ पर दसुना, तो इन लोगों का खेलने का चांस थोड़ा कम है। तो चले फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पर न्यूजीलैंड का प्लेइंग इलेवन वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्टिन गुप्टिल यहाँ पर आपको ओपन करने नजर आ जाएगा कलिन मनरो के साथ। यहाँ पर मार्टिन गुप्टिल बहुत ही अच्छा फॉर्म में, लास्ट मैच आपको बोल दिया था, यहाँ पर 138 रन का पारी खेला था और बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। और यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर जो T20 यानी पर वन डे फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर कलिन मनरो, वो भी अच्छा यहाँ पर प्लेयर है, हालांकि लास्ट मैच अच्छा नहीं खेल पाए लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आपको पता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्स करने नजर आ जाएगा और यहाँ पर अच्छा प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पर विलियमसन, जो लास्ट मैच में यहाँ पर हर मैच में यहाँ पर परफॉर्मेंस करता है, विलियमसन को पता है बहुत ही बड़ा प्लेयर है, लास्ट मैच में 75 रन का पारी खेला। उसके बाद यहाँ पर रॉस टेलर भी यहाँ पर फॉर्म में, तो यहाँ पर ऊपर का जो 4 या 5 बैट्समैन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा फॉर्म में है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक नहीं खेलता है तो दूसरा खेल देता है। उसके बाद आपको यहाँ पर हेनरी निकोलस नजर आ जाएगा, जो यंग प्लेयर है। उसके बाद टीम स्लीपर, जो टीम के विकेट कीपर है। उसके बाद यहाँ पर जिमी निसम, जो यहाँ पर अच्छा ऑलराउंडर है, लास्ट में जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर 50 रन का पारी खेला। उसके बाद टीम साउथी, ईशोडी, ट्रेंट बोल्ट, यानी यहाँ पर लॉकी फर्गुसन। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम साउथी जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट जो ओडीआई था उसमें उसको रेस्ट दिया गया था, तो मेरे हिसाब से आप जो सेकेंड ओडीआई उसको जरूर खेलना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर प्लेइंग इलेवन में वो घुस जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट मैच में मैट हेनरी खेले थे उसके जगह पर यहाँ पर टीम साउथी खेलेंगे, और यहाँ पर लास्ट में डॉग जो ब्रेसवेल है उसका खेलने का चांस बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन रहने वाला है,
तो चलिए फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पर ड्रीम इलेवन का टीम मैंने बनाई है वो भी आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो ड्रीम इलेवन का टीम मैंने बनाई है, यहाँ पर देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो विकेट कीपर के यहाँ पर दोनों ऑप्शन, यहाँ पर जो डिकोला है उसके बाद यहाँ पर टीम सिफर्ट है। मैंने यहाँ पर डिकोला को लिया, उसका रीज़न है कि अच्छा फॉर्म में है और आपको यहाँ पर ओपन करने नजर आ जाएगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर टीम सिफर्ट को ले सकते हैं, जो आपको यहाँ पर फोर्थ या फिफ्थ राउंड बैटिंग करने नजर आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसको गैंडलिंग में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने चार बैट्समैन लिया, यहाँ पर केन विलियमसन, उसके बाद यहाँ पर मार्टिन गुप्टिल, उसके बाद यहाँ पर दिनेश चंदीमल एंड यहाँ पर कुशल पेरेडा को। फ्रेंड्स आपके पास चॉइस बन जाता है, जैसे रॉस टेलर जो लास्ट में यहाँ पर बहुत अच्छा 50 रन का पारी खेला, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी चॉइस है, जैसे यहाँ पर धनुष का जो आपको ओपन करने नजर आ जाएगा, आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हेनरी निकोलस का भी चॉइस है, आप चाहे तो उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने तीन ऑलराउंडर लिया है, यहाँ पर तीसरा पेरेडा, जिमी निशम एंड यहाँ पर कलिन मनरो, जो यहाँ पर ऑलराउंडर का ऑप्शन में। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर कलिन मनरो को बैठा के, अब कलिन मंडरो को बैठा कि यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकता है, यहाँ पर जैसे हेनरी निकोलस को, उसके बाद साथ साथ यहाँ पर कुशल मेंडिस को। तो फिलहाल मैं यहाँ पर तीन ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने तीन बॉलर लिया, यहाँ पर लसित मलिंगा, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद यहाँ पर लकी फर्गूसन। अब चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को बैठा के यहाँ पर टीम साउथी को ले सकते हैं, तो ये ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टीम प्रीव्यू आप दिखा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो कप्तान यहाँ पर विलियमसन को बनाए हूँ, और जो यहाँ पर वाइस कैप्टन चंदीमाल को बनाए हूँ। आपके पास और भी चॉइस बन जाता है, जैसे लास्ट मैच में 100 बनाया था जो कुशल पेरेरा, आप उसको बना सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो विकेट कीपर डिकोला, वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आप चाहे तो उसको बना सकते हैं। और अगर ऑलराउंडर की तरफ से बात कर ले तो फिर यहाँ पर जिमी निशान का अच्छा चॉइस बन जाते हैं, यहाँ पर मनरो का भी अच्छा चॉइस बन जाते हैं। तो इन लोग आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पर प्ले स्पॉट का टीम, वो भी आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखा देते हैं, यहाँ पर लगभग सेमी टीम है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं प्ले स्पॉट का टीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्पॉट का टीम, यहाँ पर लगभग सेमी टीम है। यहाँ पर दिनेश चंदीमल है, उसके बाद केन विलियमसन, उसके बाद कुशल पड़ेरा, यहाँ पर मार्टिन गुप्टिल, यहाँ पर सेम तीन बॉलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मलिंगा फर्गूसन, यहाँ पर नीचे ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद यहाँ पर सेम तीन ऑलराउंडर, यहाँ पर कॉलिन मनरो, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो जिमी निसम एंड यहाँ पर पेरेरा, एंड यहाँ पर सेम विकेट कीपर देख सकते हैं डिकोला को। आपके यहाँ पर टीम प्रीव्यू दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास चॉइस बन जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे यहाँ पर कॉलिन मनरो का चॉइस बन जाते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पर तीसरा पेरेरा जो अच्छा ऑलराउंडर है, आप उसको बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप जो मार्टिन गुप्टिल, वो भी अच्छे फॉर्म में, आप चाहे तो उसको भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पर हाला प्ले का टीम मैंने बनाई है, वो भी आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखा देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा देता है आपको हाला प्ले का टीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो हाला प्ले का टीम, यहाँ पर आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिखा देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सेमी टीम है, यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने सेम चार बैट्समैन यहाँ पर लिया है, विलियमसन, गुप्टिल, चंदीमल, यहाँ पर के पेरेडा। और विकेट कीपर की बात करते तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डिकोला को लिया, उसका रीज़न मैं बोल दिया था कि ओपन करता है और अच्छा फॉर्म में, आप चाहे तो फ्रेंड्स सिपर सिपर को ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सेम तीन बॉलर, यहाँ पर बोल्ट, फर्गूसन, यहाँ पर मलिंगा, उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर में देखिए पेरेडा, मुनरो, यहाँ पर जिमी निशम, और कप्तान यहाँ पर विलियमसन को बनाई हूँ। उसके बाद चॉइस बन जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देखिए गुप्टिल का चॉइस बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर चंडीमाल, एंड यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करें तो मैं जिमी निशम, यहाँ पर कॉलिन मनरो का भी चॉइस बन जाते हैं। तो इन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी जानकारी थी, जो भी डिटेल्स था, मैंने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया फ्रेंड्स, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहे मेरा वीडियो, और थैंक यू सो मच।